लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के बयानों पर भाजपा के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसीलिए भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाजपा ने व्यापारी और आम जनता को परेशान किया है, जबकि हमारी पार्टी ने हर तबके की चिंता करके विकास के मुद्दे पर फोकस कर बेहतर काम किया है। कांग्रेस चुनाव में हार के डर की वजह से अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह मारपीट कर प्रदेश की शांति को भंग करने का काम किया है। भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले पीसी लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा से जनता और व्यापारी सभी नाराज रहे। जनता, व्यापारी, किसान कितना नाराज रहे, इस बात का जवाब तो जनादेश के माध्यम से 11 दिसंबर को मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति 5 साल से भूपेश बघेल जी करते आए हैं, आज फिर उन्होंने चुनाव के बाद भी वही आरोप प्रत्यारोप लगा दिए। सारे सवालों के जवाब लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से मिल जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 11 दिसंबर तक सभी को इंतजार करना चाहिए। बस ये समय कांग्रेस पार्टी के आत्मचिंतन का समय है। जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने प्रदेश में की, जिस तरीके से राजनीति को उन्होंने दूषित करने का कार्य किया, तमाम प्रकार के प्रपंच इस चुनाव में देखेगा। आरोप प्रत्यारोप के बदतमीजी बदजुबानी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस चुनाव में किया है। यहाँ की बेटियों को लेकर, यहाँ के किसानों को लेकर जिस प्रकार के शब्दों का चयन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, वो कहना भी उचित नहीं होगा। जिस एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई है, जनता ने हाथों हाथ लिया है, एक बड़े जनादेश की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और 65+ के साथ हम चुनाव में जीतने जा रहे हैं, सरकार हम फिर से बनाने जा रहे हैं। किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का अब समय जा चुका है, अब कांग्रेस पार्टी का आत्ममंथन का समय है। 27 नवंबर को कांग्रेस के सभी 90 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की एक बैठक होने वाली है, इस बैठक में चुनावी मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, इसको कैसे देखते हैं हम? वो चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं कि हार की समीक्षा कर रहे हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी देगी, क्योंकि उनको मालूम चल चुका है और हार का बहाना ढूंढने के लिए अब वो बैठक बुला रहे हैं। तमाम प्रकार के हार का ठिकरा किस पे फोड़ेंगे, EVM पे फोड़ेंगे कि निर्वाचन आयोग पे फोड़ेंगे कि और किस पे फोड़ेंगे, सारी की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रभारी इनके PL पुनिया जी जान चुके हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बुरी तरह पराजय की ओर बढ़ रही है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।